सो नमस्कार स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एट योर होम। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 4 एडिशन एंड सबट्रैक्शन। पेज नंबर 78 पे आपका गिवन है प्रैक्टिस एक्सरसाइज 4Z। इसमें आपको क्वेश्चन दे रखे हैं फाइंड द डिफरेंस ओरली बाय कंपनसेशन। सो आपको जैसे कि पता है स्टूडेंट डिफरेंस मीन्स क्या होता है, आपको क्या करना होता है डिफरेंस में सबट्रैक्शन कर लो। तो आप देखिए सबट्रैक्ट फॉर्म सब्ट्रैक्ट करना है हमें सब्ट्रैक्ट 29 फ्रॉम 42। अब आपको सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ, इसमें स्टूडेंट्स हमें क्या करना होता है, इसमें हमें सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू मतलब जिसमें से हम उन वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती है ना उस वैल्यू को हम राउंड ऑफ करते हैं। हम एडिशन में तो किसी भी वैल्यू को राउंड ऑफ कर सकते थे, लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते। इसमें हमको जिस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना होता है उसे ही हमें राउंड ऑफ करना है। हम इसमें क्या करेंगे 29 को राउंड ऑफ करेंगे। जब हम 29 को राउंड ऑफ करेंगे 29 किसके आंसर से बेटा 29 30 के आंसर से, तो हम इसमें क्या कर देंगे प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ओके किया हमने राउंड ऑफ। हाँ अब देखिए हम करेंगे 42 में से 29 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 12 में से जब 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 3। यहाँ कितना बचा 3, 3 में से 2 गया 1। ओके अब आप देखिए अब कैसे करेंगे हम, जस्ट में इसमें होता है बेटा जिस ऊपर प्लस होगा तो नीचे भी प्लस होगा, ऊपर माइनस होगा तो नीचे भी माइनस होगा। अब हमने प्लस 1 किया तो 42 में जब हम प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। प्लस 1 किया हमने इसमें 29 में से क्या किया है 29 में भी प्लस 1 किया है तो 29 में प्लस 1 करेंगे तो कितना हो गया 30। अब आप देखिए तो क्या करेंगे 3 का 3, 3 में से जब 0 जाएगा 3, 4 में से जब 3 जाएगा तो 1 तो कितना हो जाएगा 30। ओके इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। नाउ हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ आपको समझ में आ जाएगा बेटा ध्यान से अगर आप करेंगे तो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 33 फ्रॉम 62, 62 में से 33 को सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट 33 को करेंगे तो राउंड ऑफ भी 33 को ही करेंगे, 33 को हम राउंड ऑफ करेंगे 33 किसके इंसर्ट से बेटा 30 के इंसर्ट से, तो क्या करेंगे इसमें माइनस का 3 करेंगे। ओके तो ये कितना हो जाएगा 30। ओके अब आप देखिए जब 62 में से हम माइनस करेंगे 33 को तो क्या होगा 12 में से 3 गया 9, 5 में से 3 गया 2, 29 आ गया। अब कंपनसेशन में हम करेंगे तो कैसे करेंगे, हमने क्या किया था माइनस का 3, तो जब 62 में से हम माइनस का 3 करेंगे तो क्या होगा 62 में से जब माइनस का 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 59। ओके माइनस का 3 कर लेते फिर माइनस करेंगे, अब नीचे वाली वैल्यू में भी माइनस करेंगे, जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, 9 का 9, 5 में से 3 गया 2, आंसर आ गया 29। देखिए दोनों साइड सेम है ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। इसमें ये सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जब ऊपर माइनस होगा तो नीचे भी माइनस होगा ठीक है, एडिशन में ऐसा नहीं होता, एडिशन में होता है जब ऊपर प्लस होता है तो नीचे में, ऐसे कंफ्यूज नहीं होंगे आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके मैम इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको देंगी, आप इस वीडियो की हेल्प से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ओके सो थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम स्टे सेफ।